नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। मैं हूं आपके साथ रिशा हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। निकाय चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जयपुर, जोधपुर, कोटा में होंगे दो दो मेयर, अब नहीं होंगे तीन शहरों में चुनाव। लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की गला रेत कर हत्या। हत्या के बाद फरार हुए बदमाश, जांच में जुटी पुलिस। हिसार में रैली को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, पाकिस्तान जा रहे पानी को रोक कर रहेंगे। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के मुरादाबाद में एक नकली पाइपलाइन फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा है। आपको बता दें कि ये छापा हसन हार्डवेयर स्टोर के ब्यूरो डुप्लीकेट अपोलो के नाम से पाइप बेचे जा रहे थे, जिसकी जानकारी कंपनी के एरिया मैनेजर को हुई तो उन्होंने पुलिस के साथ पहुंचकर गोदाम में माल को बरामद करवाया। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई। और वहीं सड़क दुर्घटना हादसे अब थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं असम में भी एक सड़क दुर्घटना हादसा देखने को मिला। आपको बता दें कि असम के तिनसुकिया जिले के जागून में एक सड़क हादसा हो गया। दरअसल एक फुटबॉल टूर्नामेंट में कुछ छात्र छात्राएं हिस्सा लेने जा रहे थे, इसी बीच उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 20 छात्र छात्राएं जख्मी हो गए और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद जख्मी बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये हादसा हुआ है। वहीं सूरत के कृष्णा पैलेस में एक दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि पूरा मामला सूरत का है, जहां पर दंपत्ति की आत्महत्या की खबर आ रही है। आपको बता दें कि दोनों पति पत्नी काफी समय से डिप्रेशन में चल रहे थे और डिप्रेशन की वजह से उनके बेटे की मौत हो गई, जिसकी बीते 18 जून को स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद से दोनों डिप्रेशन में चल रहे थे। सूरत के पांडसेरा विस्तार में 3 दिन पहले एक अनजान युवक की हत्या हो गई थी। आपको बता दें कि इसकी हत्या की गुत्थी को पुलिस ने मात्र 12 घंटे में सुलझा लिया और पांचों आरोपियों को पांडसेरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पांचों आरोपी ने आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के मुरादाबाद में एक दरोगा को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला यूपी का है, जहां पर दरोगा पीड़ित से मुकदमे के नाम निकलवाने के एवज में पैसे मांग रहा था। पीड़ित ने इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी, इसी के तहत दरोगा कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें ये दरोगा सिविल लाइन थाने की आशियाना चौकी के इंचार्ज था। यूपी के बरेली में स्वामी चिन्मानंद पर दुष्कर्म के आरोप लगे थे। आपको बता दें कि दुष्कर्म के आरोप के ऊपर पीड़िता को एलएमएम में एडमिशन के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय में कड़े सुरक्षा मिलाया गया। कोर्ट के आदेश पर छात्रा को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। बता दें छात्रा को कोर्ट के आदेश पर हॉस्पिटल में सुरक्षा दी जाएगी। जहां दहेज प्रथा पर सरकार कड़े कानून बनाती है, वहीं यूपी के मुरादाबाद में दहेज प्रथा थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि पीड़िता का दहेज के खातिर मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। वहीं पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने अब तक मामले में कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस पर लड़के पक्ष के साथ देने का भी आरोप लगाया जा रहा है। यूपी के बिजनौर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मिठाई की दुकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यूपी के बिजनौर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कई मिठाइयों की दुकान पर छापे मारे। विभाग की कार्यवाही के बाद हड़कंप मच गया। विभाग की टीम ने 2 मिठाइयों की दुकान पर छापे मारकर मिठाइयों के सैंपल लिए। टीम ने बीकानेर मिष्ठान भंडार परिधि स्वीट्स में छापेमारी करवाई, तो वहीं इस दौरान त्योहारों पर त्योहार मिठाइयों के साथ ही अन्य कई सैंपल इकट्ठे किए। फिलहाल इकट्ठे सैंपल को जाँच के लिए भेज दिया गया है।
यूपी के मेनपुरी क्षेत्र में बच्चों के साथ शोषण का मामला सामने आया है। जी हां, आपको खबर यूपी से बता रही हूं, जहां पर प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाकर छात्रों को विद्यालय में जाने के लिए तरह तरह के उपाय करती नजर आ रही है और शिक्षकों को भी कई आदेश दिए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा के अलावा छात्रों से विद्यालय में कोई भी निजी कार्य नहीं कराया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए कुरावली खंड के एक सरकारी विद्यालय में मासूम बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है। वहीं प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान देता नजर नहीं आ रहा। वहीं मैनपुरी जिले के ओचा थाना क्षेत्र में एक युवक की करंट लगने से मृत्यु हो गई। पूरा मामला ज्योति गांव का है, जहां एक युवक के ऊपर सोते समय अचानक पंखे का तार टूटकर गिर गया, जिस वजह से युवक की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत युवक के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अध्यक्ष ने क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सूबे में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने क्षेत्र का दौरा शुरू किया। वहीं सुप्त पड़ी कांग्रेस की जान फूंकने के लिए कांग्रेस ने हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य 51 जिलों में नई कार्य करने की घोषणा की, जिसके चलते नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इलाके का दौरा शुरू कर दिया। दौरे के चलते अजय हाल ही में मुरादाबाद पहुंचे और कार्यकर्ताओं संग सर्किट हाउस में मीटिंग की। वहीं उन्होंने इस उपचुनाव में 4 अच्छे नतीजों का भी दावा किया। और संवैधानिक रूप से न्यायपालिका में अगर कोई भी चीज़ का बहस चल रहा हो तो उस पर टिप्पणी देना गलत होगा। अभी कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट में अभी सुनवाई और उसके फैसले को आरक्षित किया गया है, आने दीजिए, उसके बाद विचार किया जाएगा। को अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, अराजकता का बोलबाला है, लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बन गई है, बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, नौजवान रोजगार को लेकर चिंतित है, 45 वर्षों के रोजगार का रिकॉर्ड टूटा है, किसान हताश और निराश है। और फिलहाल नवतेज टीवी में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजी खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी।